सर जुगाड़ गेम, सपोज करिए आप मुझे जानते हैं, मुझे काम दे दिया हाँ। और मैं यहाँ काम ही नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या कितने दिन एंड ऑफ द डे आपका टैलेंट ही काम आया राइट। और मेरे को कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन मेरे को ये सुकून था कि जो मैं 6-7 घंटे 8 घंटे दिन भर घूम रहा हूँ ना, वो मैं अपने लिए दे रहा हूँ। किसी भी एक्टर को एक्टर बनने के लिए ऑडिशन देने होते हैं, उसके लिए वो पता करते रहते हैं कि ऑडिशन कहाँ कहाँ चल रहे हैं, लेकिन ऑडिशन पोस्ट तभी होते हैं जब कोई कास्टिंग डायरेक्टर उनको पोस्ट करता है। यानी ये हो गया कि हर एक्टर के लिए जो सबसे बड़े भगवान हैं वो हैं कास्टिंग डायरेक्टर। एक ऐसे ही भगवान मेरे साथ बैठे हुए जो एक्टर के लिए है, नए एक्टर्स के लिए है, सोनू सिंह राजपूत। वेलकम टू जॉइन। सोनू भाई, ये जो कास्टिंग होती है ये एक्टर को तो डराती है ना, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। कास्टिंग डायरेक्टर के लिए कैसा काम होता है? बड़ा मजेदार काम होता है, चैलेंजिंग होता है। देखिए चैलेंजिंग होता है हाँ। और मेरा मानना है कि अगर आप अपने प्रोफेशन से प्यार करते हो हाँ। तो मजेदारी हो जाता है वो चीज़, कुछ भी करे वो एंजॉयमेंट होता है। लेकिन हाँ चैलेंजिंग बहुत होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कब कास्टिंग आ जाए, काम कर रहे हैं, रात को पता चला कि आर्टिस्ट को रिप्लेस करना है, चाहे नए आर्टिस्ट चाहिए, कल एक करेक्टर हो रहा है, तो उस रात को उसको कास्ट करके चैनल से अप्रूव कराते क्रिएटिव से फिर सेटना है थोड़ा मुश्किल, बट आसान तो कुछ भी नहीं है। आसान तो कुछ भी नहीं है। ओके, तो हमेशा जो एक्टर होते हैं उनके मन में आता है, समझ में नहीं आता आखिर कास्टिंग डायरेक्टर को चाहिए क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है सबके मन में। ये कटप्पा के बाद सबसे ज़्यादा पेचीदा सवाल है कि इनको चाहिए क्या, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्या क्या रीज़न लगते हैं आपको? सर ये जो क्वेश्चन है ना बड़ा लॉजिकली है, ये चीज़ हम भी नहीं समझ पाते हैं कि चैनल को क्या चाहिए। अच्छा, आपके पीछे हालांकि है क्योंकि हमारे ऊपर टीवी की, बेसिकली मैं टीवी की बात कर रहा हूँ, तो हम टीवी में देखते हैं कि आर्टिस्ट कहता है कि अरे कास्टिंग डायरेक्टर को क्या चाहिए, लेकिन हम सोचते हैं बस चैनल को क्या चाहिए, क्या दिखाए हाँ। बट वो होता है ना, देखिए वो सुपीरियर है, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो कुछ भी सोच समझ कर लाते हैं। चीज़ें क्या होती है अकॉर्डिंग टू जो स्क्रिप्ट चैनल से आता है, जो हमें क्रिएटिव टीम होती है वो ब्रीफ करती है, उसके अकॉर्डिंग में ऑडिशन करना होता है। लुक से लेके एक्टिंग से लेके सब कुछ देखा जाता है। देखिए अभी तो चीज़ें बहुत चेंज हो गई, आपको देखते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म आ गई है right। तो इसमें लुक मैटर नहीं करता, इसमें एक्टिंग मैटर करते हैं तो है। और टीवी में भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि आजकल तो क्या है कि हर तरह के शो आने चालू हो गए हैं। अभी देखिए जितने भी शो का जॉनल हो गया, यूपी बिहार बेस्ट हो गया, देखिए हो गया जैसे भाभी जिगर में सारे ऐसे चेहरे हैं जो आम चेहरे हैं, ऐसे चेहरे हैं। अभी कुछ कैसे, अभी भी मेरा एक शो में कर रहा था बीच में, अभी नाम डिसाइड नहीं है, स्टार का शो है, उसमें भी यही सब करेक्टर है। आप देखोगे आएगा तब कहोगे, मतलब सब नए चेहरे हैं, थोड़ा बहुत काम करना, क्योंकि वो भी बैकग्राउंड शो है और करेक्टर उनको ऐसे ही चाहिए थे, करेक्टर फेस चाहिए। चीज़ें मिलती है, देखो किसी को जल्दी किसी को देर से, मेहनत कभी वाया नहीं जाता, ये मेरा मानना है। मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, इसलिए डटे रहिए, जमे रहिए, काम ज़रूर मिलेगा अगर आप सही तरीके से अप्रोच करते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन होता है सोनू भाई की, जब हम जाएंगे सर ऑडिशन देने तो वहाँ पे हम अगर ज़्यादा पूछेंगे कैरेक्टर ब्रीफ के बारे में, डिटेलिंग के बारे में, तो कास्टिंग डायरेक्टर नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे? सर देखिए ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आप कुछ लोग हो जाते हैं, मैं उस प्रोफेशन में हूँ तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि देखिए आप सिर्फ अकेले हैं कि आप आए, लेकिन एक कास्टिंग डायरेक्टर के लिए ना आपके जैसे 100 लोग आते हैं दिन भर में, उसको ऑडिशन भी लेना है, उसको अपने क्रिएटिव को भी दिखाना है, अपने चैनल को भी दिखाना है, दिन भर की मेहनत, और शाम को लगता है कि सब रिजेक्ट हो गए, सब रिजेक्ट हो हाँ, कई बार आप तो देखते हैं एक हाँ। डेली शो के लिए 6-6 महीने ऑडिशन चलता है राइट राइट। तो कभी कभी क्या होता है मूड डिपेंड, लेकिन हाँ जब तक आपको ब्रीफ नहीं मिलेगा, जब तक आप सिचुएशन नहीं समझोगे तब तक हो भी नहीं, कैसे आप दे पाओगे, ये सच है। और सोनू भाई ने जो कहा ना उसको बहुत डिटेल में समझने की जरूरत है, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ क्योंकि ऑडियंस कई बार नई है, समझ नहीं पाती। इनका ये कहना है कि जब आप कुछ अलग सवाल पूछते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, कैरेक्टर ब्रीफ के बारे में लॉजिकली सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, लेकिन आप पूछोगे सर इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं सर। ऐसे में हमारे प्रोड्यूसर को ही पता नहीं होता कब तक आएगा, क्योंकि वो भी चैनल के भरोसे बैठे रहते हैं राइट। तो आप अगर वैलिड क्वेश्चन पूछेंगे और जो कास्टिंग डायरेक्टर या अथॉरिटी बता रही है उसको समझेंगे तो कभी भी ऐसा कोई मौका आएगा नहीं। अब एक और चीज़ आती है, आज के टाइम पे एक सेल्फ ऑडिशन शुरू हो गया है जिससे कि एक्टर्स को बहुत फायदा हो रहा है। सेल्फ ऑडिशन से एक्टर के लिए कितने बेनिफिट पैदा हो गए? बहुत बेनिफिट है। देखिए फर्स्ट टाइम जब किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को आप अपना प्रोफाइल भेजते हैं तो सेल्फ ऑडिशन ही होता है राइट। वो देखने के बाद ही हम उसको नेक्स्ट के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए कहीं बुलाते हैं। अगर वो मज़ा नहीं आया तो एक एंटरटेन करना है, हम लोग मज़ा नहीं आया, क्योंकि आपको पता है हमारे टीवी में टाइम बहुत कम होता है और चीज़ें ज़्यादा होती है। और ऐसा नहीं कि मैं 5 ऑप्शन दिखा दिया एक नॉर्मल एपिसोडिक शो की बात कर रहा हूँ तो उसमें से सेलेक्ट करें नहीं, एक सिंपल करेक्टर करने के लिए भी 10 ऑप्शन दिखाने पड़ते हैं राइट। और एक एपिसोडिक शो में 20-25 करेक्टर होते हैं, 2 दिन का टाइम होता है। तो उस चीज़ से आपके एक कास्टिंग डायरेक्टर के माइंड में रहता है कि यार उसने ऑडिशन अच्छा भेजा था, उसको ट्राई करते हैं, वो ध्यान में रहता है, ट्राई ही कर देखिए, उसको भी पता है, वो अपने नॉलेज से जज ही करता है। वो ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छा ही कर देगा चाहे बुरा ही कर, ध्यान में रहता है क्योंकि अच्छी चीज़ को सबको ध्यान में रहता है। तो ट्राई करते हैं, उसके बाद जब वो ऑडिशन देता है, सेट पे जाता है तो सामने से आता है यार बहुत अच्छा किया, तो अब माइंड में बैठ गया कि वो अच्छा करता है, तो उसके लिए हमेशा हम लोग तैयार रहते हैं। तो वो सेल्फ ऑडिशन बहुत इंपॉर्टेंट। एक आपने शुरू में बात कही थी कि कई बार आखिरी मोमेंट पे रिप्लेस हो जाते हैं आर्टिस्ट बहुत सारी, ये जो होते हैं कारण, इनके मेन मुख्य वजह क्या होती है? रिप्लेसमेंट की, चेंज होने की, रिजेक्शन की आफ्टर द ऑडिशन? सर क्या होता है कि कुछ चैनल की भी अपनी चॉइस होती है, कुछ प्रोड्यूसर की भी अपनी चॉइस होती है, और कुछ अभी मैं एक लॉकडाउन के पहले की बात बताऊँ, एक शो था, डेली शो भी है, और उसमें क्या है कि 21 तारीख को शूट करने जाना था और लड़का 17 तारीख को रिप्लेस हुआ था। ओके। अब क्या हुआ कि पहले ऑडिशन लिया गया, सब ठीक था, लुक टेस्ट हुआ, सब ठीक था, तो ये प्रोसेस में 3-4 महीने लग जाता है, आपको पता है राइट। तो जब लुक टेस्ट के बाद हम लोग शूट करने के प्लान कर रहे थे एक हफ्ते के बाद, तो सारे आर्टिस्ट आए, तो जो भाई बहन थे ना वो कहीं से भाई बहन नहीं लग रहे थे। ओके ओके, मतलब जो एक मतलब वो लॉजिकली था, मतलब जो छोटी बहन थी वो बड़ी लग रही थी, जो बड़ा भाई छोटे था, तो ये भी चीज़ देखा जाता है कि पूरे फैमिली में ट्री कैसा लग रहा है। क्या होता है कोई भी इंसान, चाहे मैं हूँ चाहे आप हूँ, हम चाहते हैं कि अगर हम पैसे लगाए तो परफेक्ट बनाए राइट राइट, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा परफेक्ट बनाएंगे, जितना हम सामने जैसे सामने वाले को दिखाते हैं वैसे ही दिखता है, इसका भी होती है और इसको बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए, सिस्टम है, प्रोसेस है। हम लोग भी क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, 10-10 दिन 15-15 दिन मेहनत करते हैं, पता चलता है 3-3 महीने की शो ही नहीं आया, तो हमने तो हमारा क्या काम है कास्टिंग में, हमने तो कास्ट कर दिया, मेहनत कर दिया, लेकिन जब शो नहीं आएगा तो आपको मेहनत का पैसे नहीं मिलता, काम के पैसे मिलते हैं, और फिर उतनी ही मेहनत दोबारा करनी करना पड़ेगा आपको। अब एंड ऑफ द डे अगर प्रोड्यूसर का शो ही बंद हो गया, चैनल ने कुछ इमली कर दी, तो जब उसका शो ही नहीं आएगा तो आपको पैसे क्या चीज़ करनी है, आप मान भी नहीं सकते ना, क्योंकि ये लॉजिकली है ना कि हम तो जब सो ही नहीं आएगा तो किसको देगा, वो कहाँ से देगा, होता है चीजें। एक्टर्स की कौन कौन सी ऐसी पर्सनल आदतें या बातें जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते आपकी नज़र? मैंने जो ऑब्जर्व किया है, आर्टिस्ट आते हैं अच्छे दिखते हैं लेकिन ऑडिशन के टाइम अच्छे नहीं कर पाते, पहले से मतलब अच्छे दिखते हैं लेकिन अच्छा कर नहीं पाते परफॉर्म नहीं कर पाते। अब बिलीव नहीं करोगे, मैं ऐसे 4-5 अपने दोस्तों को जानता हूँ, उनसे मैंने पूछा एक दिन, अभी कुछ दिन के पहले की बात है, कि भैया कुछ काम करो, काम बताओ मेरे को, आपके रहते में काम नहीं मिल रहा है। मैंने कहा बात तो सही है, मेरे रहते हुए तुम लोग को काम नहीं मिल रहा है, लेकिन एक बात मेरे को बताओ, दिन भर में कितने घंटे तुम एक्टिंग पे देते हो? तो 4 ने कुछ नहीं जवाब दिया, 5वें ने बोला आधा घंटा। मैंने कहा जिस काम के लिए पूरा परिवार 1 RK में 4 लोग रह रहे हो, अच्छे घर से हो, मैं जानता हूँ कि तुम लोग, उसके लिए आधा घंटा, क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं। सही बात ये आपने बहुत सही बात। तैयारी करने चले हो, क्या दुनिया का कौन सा ऐसा एग्जाम है जो आधे घंटे में तुम पास कर लोगे? और ये तो IAS से भी बहुत टफ है जॉब, ये तो दुनिया के सामने आपको पहचान आइडेंटिटी देने वाला है। नहीं देते हैं। देखिए मैं जो नोटिस किया हूँ, अच्छे दिखेंगे, जिम जाएंगे, जिम 3-4 घंटे चले जाएंगे, चलिए फिट रहना जरूरी है, फिट रहना जरूरी है, 4-5 घंटे आपने जिम में दे दिया, क्योंकि जिम 2 घंटे करते हैं तो आने जाने सब कुछ करने में 1-2 घंटे आपने बीच पे दे दिया, संडे सैटरडे आपका नाइट में चला गया, 1-2 घंटे आप गर्लफ्रेंड को दे दिए, लेकिन किसके लिए थे? उसको कहा नहीं, जिस चीज के लिए आए थे इस शहर में वही तो नहीं दिए ना। ये सब जरूरी है, ये जो आपने किया अपने जिंदगी में एक्टर के लिए सब जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है जिसके लिए मैं इधर आया, राइट, मेरा मानना है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये अप्रोच लेवल मैंने भी देखा है कि मुझे इंडस्ट्री ने कभी निराश नहीं किया, मैं भी जब आया था आउटसाइडर था, लेकिन सब कुछ यहीं इधर से ही मिला। आपको बताऊं 2017 में आया था अगस्त में, आज 2021 है, इसमें भी 1 साल ऐसे ही चला गया, राइट। 6 महीने मैंने, मुझे भी मतलब लास्ट ऑप्शन था कि मैं कोई एक्टर बनने नहीं आया था, मैं बैंकिंग से हूँ और मैं यही करने आया था कि मुझे इवेंट में शौक था, तो मुझे कास्टिंग करना था। कास्टिंग के लिए भी किसी ने एंटरटेन नहीं किया, फिर मैं कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया, 6-7 महीने मैंने उन्हें चीज़ किया और मेरे को कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन मेरे को ये सुकून था कि जो मैं 6-7 घंटे 8 घंटे दिन भर घूम रहा हूँ ना, वो मैं अपने लिए दे रहा हूँ। मेरे कुछ पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन सर वो इन्वेस्टमेंट है। सर मैं आपको बता रहा हूँ, भगवान कृपा से ना आज सर्वाइवल इशू है ना किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब ये है सोनू भाई का कहने का कि आप जिस काम को करने के लिए आए हैं उसको एक जॉब की तरह 7-8 घंटे दीजिए, शिद्दत के साथ ईमानदारी के साथ काम आपको हर हाल में मिलेगा। जब सोनू भाई आके यहाँ पे एक नए प्रोफाइल पे सोचते हैं उस काम मिल जाता है, तो सबको मिल सकता है। एक्टर्स जब कास्टिंग डायरेक्टर के पास आते हैं तो बड़ी ही उम्मीदों के साथ आते हैं, बहुत उम्मीद। मतलब अगर आपके सामने 500 लोग ऑडिशन भी हैं और बोलेंगे भाई कास्टिंग है, तो सबको उम्मीद हो जाती है सर कैसे भी ये मुझे बस दे दे चांस दे दे कैसे। वो सबको मिल, ये जो कैसे भी चांस मिल जाए, इसमें कई बार वो किस हद तक निकल जाते हैं आगे। बहुत गलत लोग गलत रास्ते पर निकल जाते हैं, आप तो अच्छे तरह से जानते हैं। लेकिन कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए चौकाचंद, कितने दिन के लिए, और उससे काम भी नहीं मिलता। नहीं मिलता ना सर। जिसको मैं सिंपल से बात बनता हूँ, मैं पिछले 3 साल हर शो किया है, चाहे वो मतलब क्राइम शो। मेरा ऐसा है कि क्राइम शो आए और मुझे कोई कांटेक्ट ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। सारा क्राइम शो किया, अब मतलब भर भर के किया, डेली सोप किया, अभी वेब किया, नेटफ्लिक्स पे फिल्म किया, खामोशी पर वो जैसा सब कुछ किया ही 3 साल में। जो मुझे करना है वो धीरे धीरे मैंने भी अपना सेटअप सेट किया कि अब ये नहीं करके ये करूँगा, क्योंकि वो एक बदलाव जरूरी होता है, सबको जरूरी होता है, आपको मेरे को। और यहाँ पर क्योंकि सिलेक्शन का जैसा प्रोसीजर बताया सोनू जी ने कि पहले कास्टिंग डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, चैनल, एक बहुत बड़ा सिस्टम है, प्रोसेस है। यहाँ पर कोई भी जुगाड़ गेम नहीं चलने वाली। सर जुगाड़ गेम सपोज करिए आप मुझे जानते हैं, मुझे काम दे दिया और मैं यहाँ काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो कैसे कितने दिन? एंड ऑफ द डे आपका टैलेंट ही काम है, राइट। काम ऑडिशन से ही मिलता है। दुनिया के नज़र में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, मैं नहीं जानता हूँ और मैं दूसरा ऑप्शन नहीं जानता हूँ सर, राइट। मेरे पास आओ, ऑडिशन दो, कोई भी हो, क्यों नहीं करूँगा सर? आपके बिना मेरा शो ही क्लियर नहीं होगा, शो ही खड़ा नहीं होगा, राइट। बिना एक्टर के मैं कैसे शो बना लूँ, राइट। तो चीज़ें तो मिलती ही है। तो सोनू जी अगर आपसे कॉन्टेक्ट करना हो, मतलब सोशल पेजेस के थ्रू कैसे जुड़ सकते हैं नए आर्टिस्ट आपसे? सोशल आजकल सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम आईडी में शेयर कर रहा हूँ, उससे आप फॉलो कर लीजिए उनको। सोनू सिंह राजपूत के नाम से नहीं मिलूंगा, मेरा 2-4 नाम नहीं है। तो जैसे ही ऑडिशन होगा वो पोस्ट करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इवन मैंने अभी आपको भी टैग करूंगा आगे से। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा, हमें भी आर्टिस्ट की जरूरत है, राइट राइट। अच्छा आजकल ये जो अलग अलग प्रदेशों से, शहरों से भी आर्टिस्टों का चयन होना शुरू हो गया, क्योंकि बहुत डोमेस्टिक शूटिंग बढ़ गई है। कितने मौके बढ़ गए? बहुत मौके सर। मैंने आपको बता रहा हूँ कि अभी प्रयागराज करके एक वेब सीरीज किया है, लखनऊ में 40 दिखा इसको डोलता है। मेरा मतलब मेन आर्टिस्ट यहाँ से 30 नहीं थे, 18-19 होंगे, टोटल 110 आर्टिस्ट थे 18-19 के बाद, सब लखनऊ से किया हमने। क्या बात है, क्या बात। अगर उसमें मैं 1-2 डे देख लूँ तो फिर 100-200 से ज़्यादा और बढ़ जाएंगे। ओके, तो सब वो नेक्स्ट हम लोग का जो कर रहे हैं वो बरेली के लिए है, बनारस के लिए। तो अब तो चीज़ें बहुत बढ़ गई है भाई, अब एक्सेप्टेंस आ गया कि चलो आप लोकल ही वहाँ से लोकल, क्योंकि क्या होता है उसमें बेनिफिट भी है ना, यहाँ से कोई भी लेके जाएगा ना, सारा खर्चा आएगा, और वही चीज़ अगर अच्छा मिल जाता है तो अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ सोनू भाई कि अगर कोई अपने शहर में, चाहे बरेली है, लखनऊ, अगर वहाँ पे वो बिल्कुल टेक्निकली कैमरा एक्टिंग सीख के तैयार बैठा है तो उसके लिए मौके हैं 100%, राइट राइट। आप आश्रम देखे, आश्रम में पूरे लखनऊ के, अब हर शहर में शूटिंग हो रही है, आपको अपने शहर में तैयार रहना है, और तैयार रहने के लिए आप बहुत कुछ कर भी सकते हैं। आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, ऑनलाइन एक्टिंग क्लासेस से सीख सकते हैं। बात यह है कि अगर काम आएगा, जैसा सोनू जी ने कहा कि आपको ऑडिशन देना पड़ेगा, ऑडिशन देंगे तो काम मिलेगा। आज आपके पास मौका खुल चुका है सेल्फ ऑडिशन भेजने का, तो पूरी तैयारी के साथ सिंसियरली, सीरियसली ऑडिशन भेजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा आपको मौका मिला है कि आप घर से ऑडिशन दे सकते हैं और सेलेक्ट भी हो सकते हैं। अब आपके पास मौका है ऑनलाइन एक्टिंग सीखने का भी, ऑनलाइन ऑडिशन क्लासेस से ऑडिशन के बारे में डिटेल में सीखने का भी, ऑडिशन सेलेक्शन वर्कशॉप से सीख सकते हैं, और घर पर ही तैयारी करके आएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे आपका बहुत सारा समय और पैसे बच जाएंगे। और कोई भी डाउट है तो आप स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कर सकते हैं। जॉइन फिल्म्स की सपोर्ट टीम आपको हेल्प करेगी और आपको गाइड कर देगी। अभी तक आपने कितने प्रोजेक्ट कर लिए इन 3-4 साल के करियर में, और कौन-कौन से? सिर्फ आपको लॉकडाउन के बाद में मैंने प्रयागराज वेब सीरीज की, ये अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए, हाँ, नेटफ्लिक्स के लिए रे किया, ओके, हस्तिनापुर किया, ये 3 वेब सीरीज किया। उसके बाद मैंने एपिसोडिक, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, जो FIR दयानंद सेठी पे, वो मेरा ही है, वो तो आपके मेन फोर्ट हैं। और नए लोगों को सबसे ज़्यादा चांस उसी में मिलता है, उसमें वो ऐसा चीज़ है कि उसमें फेस नहीं चाहिए, उसमें एक्टर चाहिए, एक्टर चाहिए। और उसके बाद लाल इश्क किया, एक और मौका है और करके शो आ रहा है, वो भी मेरा चल रहा है। एक दो और एपिसोड ही आ रहा है, वो तो चलता ही रहता है मेरा। तो आप नए एक्टर्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जितने सहज भाव से आपने बोला कि भाई मैं अवेलेबल हूँ और इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप इनको ज्वाइन करिए। देखिए अच्छे लोगों को आपको ढूंढना पड़ेगा, कुछ लोगों को मैं आपसे मिलवा रहा हूँ, कुछ लोगों को आप भी ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज फ्रॉड लोगों के चक्कर में तो आप अपने आप ही फंस जाते हैं। लोग कहते हैं कि मीटिंग करने से काम मिलता है, मैंने वही सुना हूँ। हाँ, बहुत कास्टिंग डायरेक्ट एंटरटेन नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार कोई एंटरटेन नहीं करेगा, दो बार नहीं करेगा, हमें भी नहीं करता, हम लोग को भी नहीं जानता, लेकिन करता है। और मेरा इतना मानना है कि जिसके पास काम है ना और जिसको आपको कास्ट करना है ना, वो CCD में तो नहीं बुलाता, उसके पास इतना टाइम तो नहीं होता। मैं तो नहीं बुलाता, ये आपने बहुत अच्छी बात, मैं नहीं बुलाता हूँ क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है। राइट, मैं अपना ऑफिस देखना है, काम देखना है, घर जाके। ये वो लोग हैं जो कास्टिंग डायरेक्टर के नाम पे कुछ और कर रहे हैं सर, टाइम पास कर रहे हैं। आप जाते हैं नहीं जाते? मैं हंसता नहीं, बस टाइम है इतना। मुझे कभी किसी ने बुलाया तो मैं बोला भाई या तो आपके ऑफिस आ जाता हूँ या आप मेरे ऑफिस आ जाओ सर, वो CCD वाला कभी आपको काम नहीं देगा। राइट राइट राइट, मैं ये बात बहुत अच्छी बात बताई। देखो आज इतने हिडन चीज़ें आप लोग को पता चल गई हैं, बस आप लोग को अब रहना है तैयार ताकि आप मौक़ों को कैश कर पाएँ। थैंक यू सोनू भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे से सारी बातें शेयर की। मैं कंक्लूड कर देता हूँ हमेशा की तरह पूरे वीडियो को। पहली बात यह है कि अगर आप एक्टर हैं, आप अगर अच्छा दिखते हैं तो आपको अच्छा करना भी पड़ेगा परफॉर्म, तभी आपको काम मिलेगा। उनके खुद को दोस्तों को भी वो काम नहीं दे पा रहे हैं। एक और बात बहुत अच्छी बताई उन्होंने कि आप जिस काम को करने के लिए शहर में आए या आप अपने शहर में रहते हुए इस काम को करना चाहते हैं, उसके लिए आप कितना समय दे रहे हैं, जिस प्रोफेशन के साथ आप जिंदगी गुजारना चाहते हैं उस प्रोफेशन के लिए दिन भर में आप कितना समय खर्च कर रहे हैं। ये अपने आप से सवाल पूछिए और जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आप सबके जवाब पढ़ूंगा ताकि मैं ये जान पाऊँ कि जो हमारी कम्युनिटी है वो वाकई कितनी अंदर से तैयार हो रही है। ये पार्टी से, कॉफ़ी शॉप पे, चाय की दुकान पे मिलने से काम नहीं मिलता है। अपने काम की अहमियत को समझिए, अपनी रिस्पेक्ट रखिए, अपने काम की रिस्पेक्ट रखिए, आपको सफलता हर हाल में मिलेगी। हर बार की तरह वीडियो को बार बार आकर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग नए जुड़े हैं उन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा ताकि उनका बॉलीवुड में आने का सपना हकीकत में एक दिन सच हो सके। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।